हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचिला जगताप एंड वेलकम टू मीरा स्टडी टाइम। सो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, इस लेसन में होने वाले कई अलग अलग कंसेप्ट से खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो टर्म है, ये जो नाम है, हम 7th स्टैंडर्ड से सुनते आए हैं एंड वी इवन नो द बेसिक्स। मतलब हमको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली होता क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है, साइड 1 क्या है, साइड 2 क्या है। बट इन दिस चैप्टर हम इस थ्योरम के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इस थ्योरम का एक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है। नाउ एज वी प्रोसीड, हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली ट्रिपलेट यानी तीन, तो यहाँ पे आपके पास तीन नंबर होंगे। सो लेट्स से ए बी सी आपके तीन नंबर्स है, और एक याद रखिए, ये जो तीन नंबर्स है वो हमेशा नेचुरल नंबर्स ही होंगे, दे वोंट बी इंटीजर्स, यानी ये नेगेटिव नंबर्स या फ्रैक्शंस में ऐसा कुछ नहीं होगा। 1, 2, 3, 55, 54, रैंडमली ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि दिया गया ट्रिपलेट एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। सो उसको चेक करने का एक तरीका है। सो सी, देयर आर 4 स्टेप्स। सो सबसे पहले जो दिया गया ट्रिपलेट है आपके पास, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ये जो कंसेप्ट है, आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी रिलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये ट्रिपलेट में से जो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा वो आपके लिए हाइपोटेन्यूस रहेगा। सो द सेकेंड स्टेप दैट यू हैव इज आपको लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तीन नंबर्स है, फर्स्ट 61, सेकेंड इज 60 एंड द थर्ड इज 11, ऐसा ट्रिपलेट है। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफकोर्स 61 है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे विच कम्स आउट टू बी 3721। उसके बाद जो बचे हुए दो नंबर्स होंगे, लेट्स जस्ट से वो साइड 1 है और साइड 2 है, तो वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, उन दोनों के अलग अलग सेपरेटली स्क्वायर्स करेंगे, फिर उनका एडिशन करेंगे। फिर आपके पास जो सोल्यूशन बचेगा, अगर वो मैच कर रहा है लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर के साथ, देन येस इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सेम एज पाइथागोरस थ्योरम। इन अदर वर्ड्स, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर और बचे हुए दो नंबर्स के स्क्वायर्स का एडिशन अगर ये मैच होता है, और अगर ये ट्रिपलेट में होने वाले नंबर्स किसी एक ट्रायंगल के साइड्स के वैल्यूज है, तो वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सो इट इज लाइक, कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये गिवन ट्रिपलेट जो है, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं, तो अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, देन येस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड दैट इज लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर और RHS यानी जो सम है हमारे बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर्स का, अगर वो मैच नहीं होता, देन इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड सो देयरफॉर वो जो ट्रिपलेट है वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी नहीं होगा। अब हम बढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ। ये दोनों भी प्रॉपर्टीज राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड है, यानी एंगल्स के मेजर्स के रिलेटेड है। सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव ओवर हियर इज 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल के मेजर्स है। हमें पता है कि फॉर अ गिवन ट्रायंगल द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। तो अगर आप 30 + 60 + 90 यानी एडिशन करते हैं, तो एंड में 180 डिग्री आपको एज अ सोल्यूशन मिलेगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज हाइपोटेन्यूस, साइड, एंगल और सर्टन वैल्यूज इनसे रिलेटेड है, इन पर डिपेंडेंट है। अब जब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है सामने, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री ये हमेशा हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस रहेगा। वी नो हाइपोटेन्यूस क्या होता है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड। सो लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस है 10, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री यानी साइड BC ये क्या रहेगा, हाफ ऑफ 10 विच इज 5। एंड सिमिलरली व्हेन वी लुक फॉर द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये हमेशा ही √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस रहेगा। यानी अगर हाइपोटेन्यूस है अगेन 10, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री यानी साइड AB का वैल्यू रहेगा √3/5 विच इज 5√3। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके, इसीलिए मैंने आपको ये छोटा सा एग्जांपल दिया। मूविंग अहेड विद द सेकंड प्रॉपर्टी, 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल। अब अगर आपके पास ऐसा ट्रायंगल दिया गया हो जिसकी मेजर्स 45, 45 एंड 90 डिग्रीज हो, सो द साइड अपोजिट टू 45 डिग्री विल बी 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस। नाउ जस्ट अ स्मॉल नोट फॉर यू, या फिर आप इसे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रायंगल में 45, 45 और 90 ऐसी मेजर्स है, तो ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दो साइड्स अपोजिट टू 45 डिग्री के तौर पे मिलेंगे। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल में दो साइड्स सिमिलर हो, तो वो एक आइसोसेलस ट्रायंगल के नाम से पहचाना जाता है। वेल, अगर आपको ये जानना है कि ये जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस या फिर 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूस, ये कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, सो दिस इज ऑल ट्रिग्नोमेट्री, जो हम मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री के 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने आज पढ़े वो आपको समझने में ईजी लगे हो। सो थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye.